मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि नागपुर जिले में विविध प्रकल्प और योजनाओं के 5000 करोड़ रुपए के काम वर्तमान में प्रगति पथ पर है। पूर्व नागपुर में जिन पुलों का भूमि पूजन होने जा रहा है उनका काम भी तय समय में पूरा होगा। वे महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वेंकटेश नगर नंदनवन में आयोजित भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान मंच पर केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विधायक चंद्रशेखर बावनकुड़े, सांसद कृपाल तुमाने, विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, आशीष जायसवाल, टेकचंद सावरकर, मारेल के प्रबंध संचालक राजेश कुमार जायसवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पूर्व नागपुर में अनेक विकास कार्य चल रहे हैं। शहर में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए अमृत योजना के जरिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ दिनों में नागपुर 24 घंटे जलापूर्ति वाला शहर बन जाएगा। प्रस्तावना महारेल के प्रबंध संचालक राजेश कुमार जायसवाल ने रखी। विधायक कृष्णा खोपड़े ने भी पूर्व नागपुर के 5 पुलों का भूमि पूजन होने के प्रति हर्ष जताया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।